स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार्स में से एक हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपने क्रेजियस मोमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के क्रेजी एंड फनी मोमेंट्स के बारे में। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस आप इसे एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। मंडे नाइट रॉ 2002 यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन स्टेफनी मैकमैन रिंग में होती हैं और स्टेफनी मैकमैन उस टाइम जनरल मैनेजर थी और हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते थे, इसलिए इन दोनों के बीच काफी झिकझिक होती है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे की काफी बेइज्जती करते हैं एंड फाइनली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक बियर का पेटी होता है उनके पास, वो स्टेफनी के गले में डाल देते हैं, जिसके बाद स्टेफनी मैकमैन और भी गुस्से में आ जाती है और उनको और भी बड़ा चढ़ा के बोलने लगती हैं। एंड फाइनली स्टोन को स्टीव ऑस्टिन अपना जब पेटी वापस लेते हैं तो वो स्टेफनी मैकमैन के टॉप से चिपक जाता है एंड फाइनली जब वो उसे खींचते हैं तो स्टेफनी मैकमैन का टॉप भी उसके साथ निकल जाता है, जिसकी वजह से स्टेफनी मैकमैन को सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ता है एंड वो यहाँ पे दौड़कर रिंग से निकलकर भागते हैं बैक स्टेज। October 2003 मंडे नाइट रॉ यहाँ पे स्टेसी कैबलर होती है रिंग में, जो कि उस टाइम जनरल मैनेजर थी। यहाँ पे उनको स्कॉट स्टेनर काफी टॉर्चर कर रहे थे, काफी परेशान कर रहे थे एंड फाइनली यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का थीम सॉन्ग प्ले होता है और स्टोन कोल्ड आके स्कॉट स्टेनर को समझाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये गलत बात है, लेकिन स्कॉट स्टेनर को समझ नहीं आता और वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एक पंच लगा देते हैं, जिसके बाद वो स्माइल करते हैं और उसके बाद गेम चालू हो जाता है। दोनों के बीच हमें मारपीट देखने को मिलती है एंड फाइनली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन स्कॉट स्टेनर को भगा देते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे स्टेसी कैबलर एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बचते हैं और इसके बाद बियर पार्टी शुरू हो जाती है। स्टोन कोल्ड यहाँ पे अपने बियर के जो कॉन होते हैं वो यहाँ पे स्टेसी कैबलर को देते हैं, लेकिन स्टेसी को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता एंड फाइनली यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टेसी कैबलर को स्टनर लगा देते हैं, जो कि काफ़ी वियर्ड था। मतलब स्टोन कोल्ड उनको बचाने आते हैं और उसके बाद उन्हीं को यहाँ पे स्टनर लगा देते हैं एंड कुछ इस तरीके से ये मोमेंट यहाँ पे एंड होता है। October 1998 मंडे नाइट रॉ यहाँ पे विंस मैकमैन हॉस्पिटल में होते हैं और उनका बहुत ही बुरा हाल था, उनको काफी चोट आई थी, उनके पैर में काफी फ्रैक्चर्स थे, लेकिन यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और विंस मैकमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके चोट के ऊपर काफी चोट पहुंचाते हैं, जिससे विंस मैकमैन की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है एंड कुछ इस तरीके से मोमेंट एंड होता है। March 29, 1999 यहाँ पे अंडरटेकर हमारे स्टेफनी मैकमैन से मैरिज शादी करने वाले थे और उनके साथ यहाँ पे पूरी टीम ऑफ डार्कनेस के पूरे मेंबर होते हैं, यहाँ पे विश्रा और भी बहुत सारे सुपरस्टार होते हैं। यहाँ पे अंडरटेकर का शादी चल रहा होता है और यहाँ पे बिग शो आते हैं, जो कि स्टेफनी मैकमैन को बचाने आते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी सुपरस्टार्स मिलकर बिग शो को पीट देते हैं एंड फाइनली जैसे ही शादी खत्म होने वाला होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आते हैं, जो कि सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड फाइनली अंडरटेकर के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। अंडरटेकर यहां से बचकर भाग जाते हैं और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सभी सुपरस्टार्स को पीटकर स्टेफनी को यहां पे सेव कर लेते हैं, जिससे स्टेफनी यहां पे एक बड़ा वाला हक करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एंड फाइनली यहां पे विंस मैकमैन आते हैं और कुछ इस तरीके से ये मोमेंट एंड होता है। February 19, 2001 मंडे नाइट रॉ यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन रिंग में होती हैं और वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में बात करती हैं। उससे पहले वाले वीक में स्टेफनी ने यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एक चाटा मारा था। यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड ट्रिपल एच की राइवलरी चल रही थी एंड फाइनली यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जो कि स्टेफनी को एक सरप्राइज देने आए थे। वो यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन को कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे डर जाती है क्योंकि उनको पता था कि उनको स्टोनर लगने वाला है एंड फाइनली उनका सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे स्टोन को स्टीव ऑस्टिन अपना बदला ले लेते हैं, वो यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन को स्टोनर लगा देते हैं और उसके बाद
वही बियर वाली पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच आ जाते हैं, लेकिन ट्रिपल एच भी कुछ कर नहीं पाते, स्टोन कोल्ड टाइम से पहले वहां से भाग जाते हैं। तो यही थे टॉप 5 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के क्रेजी एंड फनी मोमेंट्स। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था आप मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, और यूट्यूब पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।